याद रहे भोजन में स्वाद मसालों से भी आता है पर मसालों से ज्यादा एक चीज और है उसको मैं कहती हूँ रस रस कोई मसाला नहीं है जो किसी पैकेट में बिकता हो रस है वो तुम्हारा प्यार जो तुम आंखों से उस भोजन को देखते हुए पकाते हुए छूते हुए वह रस प्रेम का जो तुम भोजन में डालोगे ना अब ये भोजन अमृत हो जाएगा और ये अमृत भोजन जो खाएगा वो भी तृप्त हो जाएगा वो भी खुश हो जाएगा अब शबरी राम को झूठे बेर खिला रही थी राम खाए ना मजे से क्यों बेर हैं जूठे हैं और जिसको लोग अछूत कहते थे ऐसी महिला के द्वारा जूठे खाए हुए वो चकती थी ना कड़वाना बेर हो कोई वो प्रेम के मारे चक के राम को देती है राम उसका बेर खाते हैं आनंद से खाते हैं और वो कहते हैं जो रस इसमें आया ना वो कहीं नहीं आया जो स्वाद तेरे इन बेरों में आया है शबरी वो कहीं नहीं आया अब बोल क्या दूं मैं तुझे क्या वरदान दूं क्या चाहती है मुझसे और यहां तुम्हारे घरों की हालत ये एक आदमी घर आया बच्चों से पूछता है खाना बना गया होगा कह रहा हूं मम्मी अंदर ही थी तो बोले दादी बोले वो भी अंदर ही थी कि तो पर बनाया किसने बोले तो पूछना पड़ेगा मालूम नहीं किसने बनाया थी तो दोनों अंदर सास बहू तो कहते जा पूछ के अंदर भोजन क्या बना है और फिर ये भी पूछ लेना किसने बनाया है वो आया वापस कहता बने हैं टिंडे बनाए हैं दादी ने कहते हाँ हाँ जल्दी से लाओ बड़ी भूख लगी दूसरे दिन आके पूछता है किसने बनाया पूछो क्या बना है पूछो आके बताओ लड़का आया कहता पापा पनीर बना है मम्मी ने बनाया है कहते माँ को कहे भूख नहीं है ने का हाथ धो गई मां के हाथ के बने टिंडे भी खा रहा है और मैं पनीर बनाया तो भी कह रहा मैं नहीं खाता कह रहे मां बनाती है तो रस है स्वाद है तू बनाती है क्योंकि मसाले तो सारे वही हैं तेरी माँ कोई अलग मसाले डालती है बोले मां अलग मसाले नहीं डालती पर मां प्यार डालती है प्यार दे प्यार दिया ना तो सुदामा के कच्चे चावल भी श्री कृष्ण खा गए थे और उसमें भी उन्हें रस आया था प्यार था तो पाही लालो की वो सूखी रोटी भी गुरु नानक देव खा गए थे उनको बड़ा रस आया था बड़ा स्वाद आया था राय बुलार की फीस्ट को उसके महाभोज को उन्होंने ठुकरा दिया था कि ना तेरा नहीं हम खाएंगे हम तो इसी के घर का खाएंगे क्या फर्क था लालो के भोजन का शबरी के बेर में सुदामा के कच्चे चावलों में अब आप अपने आप को देखो जब तुम भोजन बनाती हो सड़ सड़के बनाती हो धुख धुख के बनाती के बनाती हो दुख -दुख के बनाती हो के खुशी से बनाती हूँ आनंद से बनाती हो प्यार से बनाती हो कैसे बनाती हो प्यार हमेशा ना सब बोलते जी मुझे तो मिला ही नहीं कोई प्यार ही नहीं दिया किसी ने अरे प्यार कोई दे तो मिलता है गलत प्यार का सृजन करना पड़ता है और अगर हम प्यार का सृजन नहीं कर सकते तो भिखारियों की तरह भी कहीं मांगते रहेंगे माँ प्यार दे दे बाप प्यार दे दे भाई दे दे पति दे, दे दे सहेली दे दे दोस्त दे दे पड़ोसी दे दे अच्छा हम कह रहे हैं वो दे दे और वो सोचते हैं ये दे दे मिलेगा किसको किससे? प्यार कहां से भीतर से कैसे मन की अवस्था अच्छी रखने से मन की एकाग्रता से मन के शांत तो होने से मन का गुरु चरणों में ध्यान करने से मन का ईश्वर में ध्यान लगाने से आ यहां सुख बनता है सुख का सृजन तुम स्वयं करो और अंदर सुख का सृजन करने के बाद जब तुम भोजन पकाओगे तो तुम्हारा ही नाम अन्नपूर्णा हो जाएगा फिर तुम अन्नपूर्णा हो और प्रेम से और मस्ती से भर के जब प्रभु के प्रेम के गीत गाओगे तो तुम ही सरस्वती हो जाओगे प्रेम से मन अंतर्मुख करके प्राणायाम धारण ध्यान करके हुए जब आप बैठोगी तो तुम ही सरस्वती तुम ही ब्रह्माणी बन जाओगी सरस्वती ये, ये अन्नपूर्णा ये कहीं बाहर किसी लोक में रहती देवियों का नाम नहीं है ये हमारी संभावना है हम ये हो सकते हैं दिस इज व्हाट वी कैन बी अभी नहीं है ठीक है कोई बात नहीं पर ये हम हो सकती हैं मुझे किस्सा याद आता है एक बार उत्तर प्रदेश में एक संत सम्मेलन था बड़ी पुरानी बात है मैं भी उसमें गई निमंत्रित थी और मंच में कोई पंद्रह बीस महात्मा पहले से बैठे हुए थे तो मैं कहाँ बैठूंगी ये तो पूछना पड़ेगा तो मेरे एक शिष्य जाके मंच मंत्री से पूछता है कि वो आ गई कहाँ बैठेंगी तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि वहां जो वो स्वामी जी बैठे हैं ना वो झांसी से आए हुए उनके साथ में बैठेंगे वो मेरे पास आया कहने के लिए पर इसके पहले मैं चली तो उनका एक चेला भागा हुआ आया कह रहे तो नहीं नहीं आप वहां नहीं बैठेंगी आप ना वहां मैं कोई बात नहीं हम वहां बैठ जाएंगे जब हम मंच की तरफ जा रहे थे तो दोनों चेले आपस में बात कर रहे हैं मेरा चेला और उनका कि भाई जगह क्यों बदल ली बोले वो जो झांसी वाले महात्मा है ना वो कहते हम स्त्री के साथ नहीं बैठते हाँ हम स्त्री के साथ नहीं बैठते हम बाल ब्रह्मचारी हैं तो मैं अब देखो मैंने सुनी ये बात मैंने कहा क्या बात है साठ साल का महात्मा एक छब्बीस वर्ष की सन्यासीन महिला को देख के कह रहा है कि मैं इसके साथ नहीं बैठ सकता मैं कोई मेनकार थी क्या जिससे उसकी तपस्या भंग हो रही थी और धर्म का मंच है आ उसी धर्म के मंच से बैठ के तुम बोलने वाले हो सिया राम मैं सब जग जानी करू प्रणाम जोर जुग पानी और यहां सिया रूपी आई महिला तो तुम्हारा सारा कुछ खतरे में पड़ गया ऐसे कैसे तो यहां तो तुम अपने राम के बगल में खड़ी सीता को भी डिलीट कर दो और खाली राम राम किया करो सिया राम मत किया करो फिर तुम कृष्ण जी के साथ से राधा को हटाओ महिला भागो भ्रष्ट हो जाएगा राधा कृष्ण मत बोलो कृष्ण कृष्ण, कृष्ण बोलो और फिर वेदांत बोलने वाले महात्मा जो ये कहेंगे ब्रह्म पंच कोश ते न्यारा तीन काल से न्यारा तीन गुण ते न्यारा तो क्या वो ब्रह्म मुझ में, तो में नहीं है सर्वम खलविदम ब्रह्म नहिना नास्ति किंचन तो वह ब्रह्म तुम्हारा स्त्री में नहीं है स्त्री से डर गया स्त्री के अंदर नहीं है कैसा ज्ञान है इन लोगों का कच्चा पंजाब में भी ऐसे एक मंदिर में कोई पच्चीस वर्ष पुरानी बात मेरे शिष्य गए कहते जी हम आपके हॉल में उनका सत्संग कराना चाहते तो वो बोले हमारे यहां हमारे वेद आसन पर इसको वेद व्यास आसन बोलते हमारे व्यास आसन में कोई महिला नहीं बैठ सकती तो वो बड़े शर्मिंदे शर्मिंदे से वापिस आ गए और उन्होंने फिर ये सोचा कि हम कहीं नहीं हम तो आ, अपने घर के ही बाहर बड़ा बढ़िया पंडाल लगाएंगे हम नहीं लेके जाएंगे हम तो यहीं करेंगे अच्छा हुआ सत्संग वहाँ फिर धीरे धीरे लोग बहुत ज़्यादा हो गए फिर बड़े पार्क में किया फिर कॉलेज में किया जगह कम होती गई लोग बढ़ते चले गए हम थोड़े प्रसिद्ध हो गए जब हम प्रसिद्ध हो गए तो वही मंदिर वाले आके हमारे शिष्य को कहते हैं कि अपने माँ को बोलो हमारे मंदिर में भी आएं। मैंने कहा क्यों वट इज चेंज अगर मेरे आपके आसन में बैठने से आसन अपवित्र होता था मात्र दो तीन साल पहले तो आप पवित्र हो जाएगा मैंने कहा उन महानुभाव को कहिए अब हम नहीं आएंगे भले कुछ समझो हम किसी के बाप से नहीं डरते हम अपने बाप से नहीं डरे थे सच्ची बात है हम नहीं जाएंगे फिर उनके कई समय तक संदेश आते रहे मैंने कहा ना अब नहीं क्योंकि उस समय तक लोग कम थे तुम्हारा हॉल सूटेबल था प्रस्ताव भेजा था तुमने मना किया जिस ज्ञान का अपमान तुमने किया मेरा अपमान नहीं था ज्ञान का अपमान था मैंने आसन में बैठ के अपनी कहानी नहीं सुनानी थी मैंने ब्रह्म की बात करनी थी वेद वेदांत की बात करनी थी और ज्ञान का अपमान किया अब प्रसिद्धि का तुम सम्मान करना चाहते हो पर मेरे लिए प्रसिद्धि की कोई वैल्यू नहीं है तुमने जो कार्य किया नाउ इट इज नॉन निगोशियबल आई विल नॉट बट आई विल नॉट कम आई नेवर वेंट नहीं गई मैं सरस्वती पूजते हो स्त्री का अपमान करते हो कानपुर के एक सत्संग में आ, मुझे याद है दिल्ली में भी एक बार इंदौर में भी हमें किसी ने पत्र भेजा आप तो महिला हैं स्वयं भी ओम बोलती हैं आगे महिलाओं को ओम बुलवाती हैं ये वेद विरुद्ध है अरे पागल आदमी वेद की ऋचाओं का सृजन जहाँ शरीर से पुरुषों ने किया ऋषियों ने किया वहाँ कितनी ऋषिकाएं रही हैं वो महिलाएं जो ऋषि हैं उनको ऋषिका बोलते कितनी ऋषिकाओं ने भी सूत्रों की अपनी कंट्रीब्यूशन uh, दिया है हाउ कैन यू से महिला ओम ना बोले महिला को पाप लगेगा महिला ओम बोलेगी तो महिला नरक में जाएगी मैं ठीक है भाई हम महिलाओं से ओम कहना बंद करा देते हैं और तुम राधा जी को आउट करो सीता जी को आउट करो लक्ष्मी जी को आउट करो इनकी पूजा बंद करो तुम क्यों करते हो तुम पुरुष पुरुष पूजो तुम सारे पुरुष पुरुष पूजो सूर्य को रहने दो अजीब बात तो सरस्वती की चित्र सरस्वती की मूर्ति हर स्त्री को यह कह रही है कि तुम ये हो सकती हो ज्ञान की पराकाष्ठा मैंने सरस्वती प्रेम की पराकाष्ठा मैंने पार्वती योग की पराकाष्ठा पार्वती तुम ये हो सकती हो इसलिए घर घर में उसकी मूर्त, उसकी चित्र काल्पनिक कहें सब नहीं इट्स नॉट रियल काल्पनिक कहें, लेकिन ये अच्छी कल्पना है फिर ये कहा गया कि विष्णु अकेले न पूजे जाएंगे संग लक्ष्मी होनी चाहिए क्योंकि पुरुष और प्रकृति तो साथ ही हैं और दोनों बराबर हैं कोई कम ज्यादा नहीं है तो साधारण तुम हो नहीं तुम असाधारण हो बस फर्क यह है तुम अपना असाधारणपन पहचानती नहीं हो जानती नहीं हो और तुम कोशिश भी तो नहीं करती हो ना खाया पिया चटक पटक और गप मारी यह तुमको बड़ा अच्छा लगता है पर अगर तुम साधना करो अगर तुम नियम और अनुशासन से पालन करते हुए धारण ध्यान करो तो ध्यान की सिद्धि तुम्हें प्राप्त हो जाए तुम स्वयं एक योगिनी हो जाओ तुम स्वयं एक पूज्या हो जाओ का अर्थ ये नहीं होता जिसको आके कोई मथा टेके जिसको आके कोई प्रणाम और चरण स्पर्श करे और गले में फूल माला डाले वो पूज्य जो दिव्या है वो पूज्य है है जिसमें जो पूजने योग्य है वो पूज्य है अभी आपकी योग्यता क्या है इतना जीवन निकल गया क्या कमाया एक ने कहा जी चार बच्चे पैदा किए ये कमाया हमने भाई वो भी तुमने पैदा नहीं किए माफ करना वो हो गए हैं एक्सीडेंटली पति पत्नी तो कुछ और कर रहे थे पत्नी गर्भ से ठहर जाती है अब चूंकि शादी है तो चलो जी फिर पैदा होने दो एक हो गया दो हो गया तीन हो गया फिर सबने कहा बस करो तो फिर बस कर दी तीन पाल लिए चार पाल लिए दो पाल लिए तो तुम्हारी उपलब्धि निश्चित हो सकती थी अगर तुम पहले स्वयं को इतना श्रेष्ठ बनाई हुई होती मुझे पत्र लोग भेजते हैं पूछते हैं हमारी बेटी हमारी बहू गर्भवती है तीन महीना चार महीना वो क्या करे अभी कुछ नहीं करे करना पहले होता है गर्भाधान होने से पहले किसी भी स्त्री को कम से कम दो वर्ष तक योगा आसन करके नाली धोती करके शरीर को शुद्ध करना चाहिए और फिर किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से पूछ के आहार व्यवहार अपना पहले सही करना चाहिए दोनों पति पत्नी का आहार व्यवहार अच्छा हो दोनों पति पत्नी आसन व्यायाम प्राणायाम मंत्र करें और फिर जब गर्भाधान होगा तो इस शुद्ध हुए शरीर का बीज अच्छा होगा फिर संतान अच्छी होगी बीज तो डाल दिया फसल कुछ होने को हो गई अब पूछते हैं क्या करें अब तो क्या करेंगे अब तो हो गया जो होना था आप बस ये कर सकते हैं महिला तीसरे चौथे महीने में है तो वो बहुत सारी योग निद्रा करे और कुछ गर्भ में बालक बालिका है तो उसके बाद भी कुछ ऐसे आसन हैं जो उसे अवश्य करने चाहिए इन्वर्टेड पोजिज अलाउड नहीं होते जिसमें पांव ऊपर चले जाए सर्वांग जैसे वो मना है हलासन मना है लेकिन पर बहुत से ऐसे आसन हैं जो स्त्री अगर करेगी तो उसका प्रसव बड़ा आसानी से हो जाएगा नो कॉम्प्लिकेशंस नो डिफिकल्टीज हमने बहुत सारी कन्याओं को महिलाओं को उनका पहला बच्चा था दूसरा बच्चा था उन्हें दो तीन आसन है वो कहें साथ में एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई ये तुम करो तीन महीना चार महीना वो करते रहे बोले इधर लेबर पेन हुई एक घंटे में बच्चा आउट तो डॉक्टर बोले ये तो दैट्स फैंटेस्टिक क्योंकि पहले बच्चे में उनको ऑलमोस्ट 22 घंटे तक पेन रहा और फिर उनकी जिद थी कि वो सिज़ेरियन नहीं कराएंगी इसलिए वो दर्द सहती रहीं बाईस घंटे पीड़ा सही उसने लेकिन दूसरे बच्चे के बारे में बोले घर से हॉस्पिटल जब तक हम पहुँचे द वाटर हैड ब्रोकन पेन स्टार्टेड इन इन वन आवर चाइल्ड जस्ट स्लिपिंग कम स्लिप्ट आउट फट से बाल बार मैंने कहा आसन करते ही आया था क्या माँ आसन करेगी तो बच्चे को तो निश्चित उसका भी प्रभाव जाता है प्रभावी संतान अगर हमारे मन अनुसार हो ऐसी सोच किसी महिला के हो तो वो दो वर्ष पहले की तैयारी है हमारी जो पुस्तक है आयुर्वेद पर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद उसमें लास्ट में हमने एक चैप्टर दिया है वो तो प्रकरण आप पढ़िए उसको फॉलो करिए तो निश्चित शरीर पहले तैयार होना चाहिए जैसे बाहर खेत तैयार अच्छा हो बीज अच्छा हो फिर फसल अच्छी होगी अगर खेत खराब है मिट्टी कलर वाली है सल्फर अधिक है उसमें सुखी है बंजर है तो उसमें अच्छे से अच्छा बीज डाल दीजिए फसल नहीं होगी तो स्त्री का गर्भ तैयार होना चाहिए उसका शरीर आम रहित होना चाहिए सब दोष अपने अपने स्थान पर होने चाहिए दोष सम हो अग्नि तीक्षण हो शरीर में आमा न हो शरीर स्वस्थ हो उसकी नींद अच्छी हो और नींद किसकी अच्छी होगी जो मन से ज्यादा लड़ाइयां नहीं करते और जो ये डायलॉग ना बोलते रहे मैं छोड़ूंगी नहीं तो इसको बताऊंगी मैं ये ये बात बोलने वाली महिला बड़ी खतरनाक भाई तो मन का अनुशासन करना शरीर पर अनुशासन करना फिर जो भी करोगे अच्छा होगा बढ़िया होगा पुनीता ने लिखा है संगीत से मुझे अत्यंत प्रेम है पर कुछ लिखने की कोशिश कभी नहीं की पर आज के ध्यान के बाद मन में कुछ ऐसी लहरें उठी कि कुछ लिखूं आज जो आनंद सुख की अनुभूति हुई या कहूँ गुरु कृपा बरसी उससे कहाँ नहीं जा सकता शरीर जैसे थम गया एक घंटा पैंतालीस मिनट बीत गए ऐसा लगा जैसे हकीकत में कभी थे ही नहीं आंख जब रोई तो जैसे अश्रु रुक नहीं रहे थे और जब रुके तो आंख पथरा गई और जब खुली तो बिना प्रयास त्राटक हो गई लिखती है कलम चाहती है आज कुछ लिखना अल्फाज मुकम्मल नहीं है जहां में मन करना चाहता है हाल दिल बयां पर जरूरत नहीं है जुबा की हाल दिल कैसे बताऊं मनी अनुभूति कैसे दिखाऊं बस यही कह सकती हूं वो एक एहसास था जो बयान नहीं हो सकता बस जिया जा सकता है जिया जा सकता है जिया जा सकता है ये है पूर्ण रूपेण स्वावलंबी होना ये है पूर्ण रूप से स्वावलंबी होना मैंने अपने सुख के लिए अपने आनंद के लिए हम किसी पर आश्रित ही नहीं हैं। हम अपना आनंद स्वयं जनरेट कर लेते हैं। और सारे पचड़े सुख के लिए ही तो हो रहे हैं। और यहां आपको हम अपने अंदर सुख बनाने का तरीका सिखा रहे हैं अपना सुख खुद बनाओ अपनी मस्ती में डोलो और मस्ती में डोलोगे तो मुख से प्रेम के बोल बोलोगे फिर कड़बे वचन नहीं आएंगे मोहब्बत के बचन आएंगे प्यार के बचन आएंगे मीठी हो जाए जुबा मेरी ये दुआ है मीठी हो जाए जुबा मेरी ये दुआ है हर सांस में तेरी याद हो बस ये इल्तजा है चाहू ना कुछ और अब इस पल में इस पल में डूब जाऊं बस यही इल्तजा है इल्तजा मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट स्वलम बनो और कितना आसान है भाई मुश्किल नहीं है बड़ा बड़ा आसान है गुरु के बताए हुए प्रयोग को करो और संगीत की लहरी पे कभी कभी थिरक लिया करो जरूरी नहीं कि शादी पार्टी हो और दस लोग बोले आओ ना नाचो नहीं मैं नहीं ना मैं नहीं ड्रामा मत करो ड्रामा मत करो हाँ ना यूं चाहिए कि नाचने की आवाज तुम दूसरों को लगा रहे हो चलो नाचो पर दूसरों को कहने से पहले खुद नाच रहे हो खुद गाओ पहले फिर दूसरों को पुकारो चलो आओ गाते हैं चलो आओ नाचते हैं चलो आओ आनंद मनाते हैं तुम कहते हो चलो कितनी पार्टी जाते हैं चलो शॉपिंग जाते हैं चलो अब वहां जाकर के क्या होगा भाई हुँ? क्या करोगे एक महिला ने एक लाख रुपए का पर्स खरीदा खरीद के आई घर पति को कहती मालूम मैंने क्या लिया बोले क्या लिया कहती तुम्हें नहीं मालूम कहते वैसे मेरे फोन में क्रेडिट कार्ड कंपनी का मैसेज आ चुका है वो देख लिया मैंने ना हार्ट अटैक देना मुझे घरी लो एक चीज खरीदी मेरी खुशी देखी नहीं जाती तेरे से बोले अच्छा चल हो ले तू खुश भर लूंगा पैसे थोड़े थोड़े करके हर महीने दो दिन बाद पार्टी थी पार्टी में सज धज के वो पर सपना डिजाइनर लेके ठुमकती हुई गई पार्टी में वहां गई ऐसे ही पर चार और महिलाओं ने ले रखा था लाख रुपया भी गया दिखाने का मजा भी ना आया जो एक इंपॉर्टेंस लेनी थी वो भी ना मिली देखिए इम्पोर्टेंस आपको अगर पर्स की वजह से कपड़े की वजह से मिल रही है तो ये इम्पोर्टेंस आपकी नहीं उसकी है आपकी क्या हुई मजा ये है कि तुमसे कोई मोहब्बत तुम्हारे लिए करे तुमसे कोई मोहब्बत तुम्हारे कपड़े तुम्हारे पैसे तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के लिए ना कर रहा हो व्यर्थ तो में बैठ के व्यर्थ का सामान इकट्ठा करके व्यर्थ के लोगों को दिखाने में मरे मत जाओ तुम आज ही मैंने कहा ना डोंट बी अ पीपल पर्सन लोगों के लिए मत जियो अपने लिए जियो और जब अपने लिए जियोगे खुश रहोगे प्रसन्न रहोगे और जब खुश और प्रसन्न रहोगे तो खुशी दूसरों को दे सकोगे अभी थोड़ा मुश्किल है थोड़ा कष्ट है थोड़ा तकलीफ में है कैसे वो तकलीफ को दूर करना अभी आप जानती नहीं है इसलिए दुख तकलीफ में रहती है तो दुख तकलीफ दूसरों को भी देती रहती और मजा ये तकलीफ देती भी है और ऊपर से कहती है मुझे कोई प्यार नहीं करता अरे कौन करे तेरे किसी कुलक्षणी को प्यार उठते बैठते लड़ती है उठते बैठते लड़ती है उठते बैठते ताने मारती है माननी हो तो संगीत की मानो ना नहीं वो तान मारो तो ता आनंद आए सुनने वाले को तुम्हारा बोल बचन सुन के किसी का मन ही जलना है तो इससे अच्छा चुप रहो नहीं बोलो तो प्यार का बचन बोलो तो मीठा बचन रस बहाव रस बनाओ रसदार जीवन हो जाए ऐसा प्रयास करना चाहिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं